खान की मौत क्यों हुई, कैसे हुई वती, वो हम आपको अभी बताते हैं, जो कि हमने यहाँ पर आकर इन्वेस्टिगेट किया है और जो हमें पता चला है। ये रेहान का घर है, अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके, ये रेहान का घर है जो कि निचला पोर्शन है, और इसी घर की जो छत है उस वहाँ पर भी एक किरायेदार फैमिली रहती थी, अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके। ये घर, इस घर में रहती थी एक खातून, जिस जो वजह बनी है रेहान की मौत का, डायरेक्टली हम कह सकते हैं, क्योंकि इस घर के अंदर एक खातून जो है वो लड़की अपनी वालदा के साथ जो रहती थी, और उसी के लिए जो है वो यहाँ पर दो लड़कों के बीच में इस गली में झगड़ा हुआ। फिर एक लड़के ने जो है वो पुलिस में जो थे उनके दोस्त थे उनको कॉल की है, और वो लड़का आया है यहाँ पर जो तीसरा लड़का था, और उसने आकर जो है वो इनकी हेल्प की है, जो कि सिविल यूनिफॉर्म में था लेकिन वो पुलिस वाला था, और उसी की जो है वो पिस्टल उसने दी है उस लड़के को, जैसा कि इलाका बता रहे हैं, यानी शाहिदीन ने हमें बताया कि उन्होंने कहा कि जाओ तुम्हें जिसको मारना है मारो, तुम्हें कोई अभी जो है वो हाथ लगाने वाला नहीं है। अगर मैं इस घर को आपको दिखा सकूं, मेरे कैमरामैन को दिखा सके, तो अब जो है वो इस घर में ताला लगा हुआ है, क्योंकि वो जो दोनों खवातीन माँ बेटी हैं जो कि इस सारे मुद्दे में बिल्कुल मंजरेआम से गायब है, वो इस घर से जो है वो रात में ही चली गई हैं, जब उन्होंने देखा कि मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। और रेहान के बारे में जो बताया जा रहा है कि किस कदर मेहनती बच्चा था वो, और अपने ट्यूशन की जो फीस है वो खुद अफोर्ड करता था, सारे सीन के अंदर एक निहत्ता बच्चा जिसका इन सबसे कोई ताल्लुक नहीं था, वो अपनी जान की बाजी हार गया। थक के सो जाती है माँ, तब ये माँ बाप ही जान सकते हैं। औलाद चाहे लाख बीमार हो, डॉक्टर्स भी उसकी सेहत के बारे में आपको कह दें कि आपका बच्चा नहीं सर्वाइव कर सकता, लेकिन माँ बाप की पूरी कोशिश होती है कि वो खुदा की खुदाई से लड़ लें, लेकिन अपने बच्चे की जान जरूर बचा लें। लेकिन दूसरी जानब वो माँ बाप जो अपने बच्चों के साथ वक्त गुजार रहे हों, जो बच्चों के साथ खेल रहे हों, जो बच्चों से भी बात करें, बच्चों को खाना खिलाने के लिए जो माँ तैयार बैठी हो, अभी उसकी नज़र से उसका बच्चा घर से बाहर निकला हो और 5 मिनट के बाद उस माँ को ये आवाज़ आ जाए, माँ को ये बता दिया जाए कि वो बच्चा जो कि अभी 5 मिनट पहले ही अपने घर से निकल के बाहर आया था, उसने सीने पे गोली खा ली है, तो सोचिए इस माँ का हाल क्या होगा। औलाद चाहे 12 दिन की हो, 12 साल की हो, या 60 साल की हो, लेकिन माँ बाप से पूछिए, उन माँ बाप से जो कि अपने छोटे बच्चों को अपने हाथों से कब्रिस्तान छोड़कर आते हैं। आज मैं मोमिनाबाद के इलाके में हूँ, मेरे पीछे वो जो आप पिंक कलर की दीवार देख रहे हैं, यहाँ पे रेहान रहता था, बहुत ही अच्छा बच्चा जो कि स्कूल जाता था, लाइक बच्चा था, कोचिंग जाता था, उसके बाद अपनी स्कूल की फीस भी खुद ही भरने के लिए यहाँ पास में एक दूध वाले की दुकान है वहाँ पर नौकरी किया करता था, और जो छोटे मोटे उसको पैसे मिलते थे वो लाके उसको जमा करता था, और ये वो कमाई इस रेहान की जो कि उसकी माँ ने आज भी अपने सीने से लगा के रखी है। रेहान एक पुलिस अफसर की गोली से जा बहक हुआ, और वो महकमा जिस तरह से हम एतबार करते हैं कि ये हमारे तहफ्फुज़ की जमानत देगा, उसी के एक मुहाफिज की गोली से रेहान अपने माँ बाप को छोड़ के चला गया। आज के शो में मुझे आपकी मदद चाहिए, मुझे आपकी मदद चाहिए ताकि मैं रेहान के माँ बाप को इंसाफ दिलवा सकूं, और वो एतमाद जो रेहान के माँ बाप हमेशा के लिए खो बैठे हैं वो एतमाद बहाल करवा सकूं। हम अंदर चलेंगे, अंदर जाके मैं आपकी रेहान के वालिद फिदा हुसैन साहब से मुलाकात करवाऊंगी, उनकी वालिदा जो कि
अभी तक नॉर्मल नहीं हो सकी हैं और बहुत मुश्किल है किसी भी माँ का नॉर्मल होना। 3 बच्चे, 1 15 साल का, 1 12 साल का, 1 छोटी बेटी फिजा जो कि अभी भी मुंतजर है कि कब उसका भाई उससे वापस आके मिलेगा। हमारे साथ डॉक्टर मुइज़ भी हैं, हमारे साथ जावेद इकबाल साहब भी हैं और हमारे साथ हमारे साथी एंकर फरा यूसुफ भी हैं। इस घर का आंगन बहुत बड़ा, इसीलिए हम यहाँ पे शो कर रहे हैं आज, क्योंकि उनके घर का आंगन जो है उतना बड़ा नहीं था और उस घर के आंगन में से भी रेहान की आहों और सिस्टम की आवाज़ें वो लोग जो किस घर की बातें हैं वो भी सुन सकते हैं। मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ रेहान की अम्मी से, ये रेहान के वालिद साहब हैं सिद्धा हुसैन साहब और साथ में रेहान की अम्मी सिद्धा साहब। सबसे पहले तो हम सब की जानिब से ताज़ियत कबूल कीजिए, इतना बड़ा औलाद का गम है कि हम चाह के भी आपके इस ज़ख्म पे मरहम नहीं रख सकते। ये 3 दिन पहले का वाक़या, उस दिन हुआ क्या था? वाक़या कुछ इस तरह से हुआ, मैं टेक्सटाइल में जॉब करता हूँ, मैं जैसे कि ड्यूटी से वापस आया तो जैसे रेहान स्कूल भी पढ़ता था और ट्यूशन भी जाता था और मदरसा भी पढ़ता था और पार्ट टाइम जॉब करता था, ये अपना मस्जिद के सामने किराना स्टोर पे। तो जैसे ये किराना स्टोर से वापस आया तो घर पे आया, वालदा को किराना स्टोर वाले दूध देते थे, दूध उसने फ्रिज में रखा, पैसे भी देते थे कोई 50-60-70 रुपये ऐसे देते थे, वो अपने वालदा के हाथ में रखे। और जैसे मोहल्ले में बाहर पोस्ट से लोग जमा थे, बाहर निकला तो वालदा ने इसको मना किया, हाथ इसको मना किया, बाहर नहीं जा, बाहर बहुत रश है, बाहर नहीं जा। तो उसको वालदा को धिक्का दिया और चला गया बाहर। बस 10 मिनट गुजरे हैं, 10 मिनट के बाद ये बच्चा मेरा, ये बाप का बड़ा बेटा, बड़ा बेटा मेरा, ये बाहर से आया, मुझे कहने लगा पापा रेहान को गोली लगी। तो जैसे मैं बाहर निकला, मैंने इधर उधर देखा कहाँ है रेहान, रेहान मुझे नज़र नहीं आया। तो ये मुझे कहने लगा यहाँ पे गिरा था, मैंने कहा कहाँ है, इतनी देर में उठा उसको वाले वाले हॉस्पिटल ले गए, फिजरमान हॉस्पिटल ले गए, उन्होंने ले लिया। आप घर आ चुके थे उस वक्त? जी, आप तो जॉब से घर आ चुके? जी, मैं घर आ चुका। तो फैसलमान ने ले लिया, फिर इसको वहाँ ले गए, ये कौन सी हॉस्पिटल थी, आवासी ले गए। तो वहाँ पे जिस टाइम मैं और मेरी वाइफ वहाँ पहुँचे, डॉक्टर साहब मैं अपने बच्चे को देखने आए, डॉक्टर साहब मुझे कहने लगे आपके बच्चे की डेथ हो चुकी है। फिर मैं वहाँ गिर गया, मुझे मध्य वालों ने उठा के लाया फिर। तो मेरे साथ ये वाकया हो गया, मेरे साथ बहुत जुल्म हो गया। तो मुझे मध्य वालों ने मेरा बहुत सपोर्ट, इंसाफ चाहिए मेरे साथ, बहुत ज़्यादा बेगुनाह मेरा बच्चा, बेकसूर मेरा बच्चा मारेंगे। मेरी अब मोहल्ले वालों से किसी से भी आप पूछें, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, मैं यहाँ किराए के मकान में रह रहा हूँ। तो बात किसी और की थी, और मेरा बच्चे को 10 मिनट मेरा बच्चा मेरे से चला गया, मेरा चला गया, अच्छा मेरा बहुत जुल्म हुआ, इंतहाई जुल्म। बच्चे को वापस, मेरा रेहान 5 मिनट के बाद घर में आता था, बोलो ना मैं
जुहेब की पूर्णम आंखें अपने दोस्त रेहान की राह तक रही हैं, जो अब कभी नहीं आएगा। जब आज मैं स्कूल आया तो वो नहीं था, बहुत दुख हुआ। आज वो नहीं है तो बस रोना आ रहा बार बार। हंसने हंसाने वाला सबको रोता छोड़ गया। कहता टीचर मैं आर्मी में जाऊंगा, मैं आगे जाऊंगा टीचर, मुझे बहुत आगे जाना। उसके सीट पे दूसरे बच्चों को बिठाते हुए बहुत गिल्टी फील हुआ कि कल वो बच्चा हमारे साथ सैटरडे के दिन था और आज नहीं है। पोजीशन होल्डर रेहान जहीन होने के साथ मेहनती भी था। ट्यूशन फीस के लिए दुकान पर काम करता था। मेरा बाग कराची के इलाके में है, जहाँ पर हमारे वो लोग जिनको हम मुहाफिज के नाम से जानते हैं कि ये हमारे मुहाफिज हैं, कि कहीं कोई मसला हो, कहीं कोई तकलीफ हो, कहीं कोई खौफ हो, तो आप इनको कॉल करें और ये हमारी हिफाजत के लिए पहुँच जाएंगे। लेकिन यहाँ का कानून जंगल का कानून लग रहा है, जहाँ पर यही लोग जिनको हम मुहाफिज कहते हैं, जिनकी गोली हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमारी हिफाजत के लिए
जिनके हाथों में बंदूक जी जाती है, उसी बंदूक से हमारे ही बच्चों के सीने चीर दिए जाते हैं। यहाँ पर तीन दिन पहले पहले जो हो रहा है, जो हुआ, फिदा हुसैन साहब जो कि रेहान के वालिद हैं, वो बता रहे कि गोली चली और बेटे, जो बड़ा बेटा था, वो उनके साथ था। मैं चाहूँगी पहले मुझे माइक दीजिएगा, मैं, क्योंकि फैज़ान जो रेहान का बड़ा भाई 15 साल का है हमारे साथ, फैज़ान आपने उस दिन क्या देखा बच्चे? तो देखा बताओ। नीचे फायरिंग हो रही थी, पुलिस वालों ने डिपो ग्यारह में पिस्टल दिए, सारे नशे में थे पुलिस वाले, अंदर फायरिंग किए, अंदर दूर गटवट फायरिंग किए, बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, रेहान भी था, मैं भी था, हम सब भागे, उसमें से कहीं गोली लगी है, वो भागे, वहाँ पर साइड पे खड़ा हो गया ना, हम सारे छुप गए, सारे लोग भी छुप गए थे, भागे, वो वहाँ पर गिर गया, किसी गिरा ना, मैं भी साथ था, दो लड़के थे, एक ये अशर था और एक दूसरा था, ऊपर रहते, नाम नहीं आता, उन दोनों ने उठाया, एक ने उठाया, वो गोली लगी ना, मैंने देख लिया, खून निकल रहा था। गोली कहाँ लगी थी? यहाँ लगी थी, खून निकल रहा था, उन दोनों ने उठाया, स्कूटर पे बिठाया, ले गए अस्पताल। जब गोली लगी तो कुछ रेहान ने खुद मुंह से कुछ बोला था? नहीं, वो बस उस वक्त गिर गया। हाँ, गिर गया। और ये जो और जो उस वक्त सारे मोहल्लेदार हैं, फिदा साहब बता रहे थे कि इनकी किसी से, जो उसको उस वक्त उठा के लेके गए थे, फिदा साहब की तो अपने मोहल्लेदारों से दोस्ती कम, लेकिन वो रेहान था जिसकी अपने तमाम तर मोहल्लेदारों से दोस्ती थी और वो हर हर घर का बच्चा था। अच्छा, आप जब बाहर निकले तो उसको लेके जा चुके हुए थे? जी, जा चुके थे। और अब अब्बासी शहीद से फिर आप अपने बच्चे की जो है, और फिर जब FIR कटवानी थी, FIR मैंने अपने हाथों से कटवाई, मेरे मोहल्ले वाले मेरे साथ थे। मैं, आप इस कदर लकी हैं कि आपके पूरे मोहल्लेदार इस वक्त, इनके जितने भी मोहल्लेदार हैं, वो यहाँ भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, और इन सब की सपोर्ट की वजह से ये जा सके हैं, वरना तो मुमकिन ही नहीं होता। कबूल कीजिए, और जाहिर है इस बात का कोई नेमुल बदल नहीं है, किसी की दुनिया उजड़ गई और चंद सत्रों की खबर जो अखबार के अंदर हो जाती है कि जी रेहान नामी एक बच्चा था जिसके सीने में गोली लग गई, किसी की ममता उजड़ गई, यानी सोचिए कि इस माँ ने जब इस बेटे को जना होगा, इस बच्चे को जना होगा, पाल पोस के रेहान को किस तरह से बड़ा किया होगा, कितनी मशक्कतें, कितनी तकलीफें, कितनी परेशानियां, कितनी सोबतें बर्दाश्त करने के बाद इस माँ ने अपनी छाती से अपने बेटे को लगाने के बाद अपनी ममता की छाव में जिस वक्त ये दुआएं देकर दी होगी, जिस वक्त इसको ये पता चला होगा कि गली के नुक्कड़ के ऊपर एक डिपू जैसे लड़के ने उसके सीने के ऊपर एक गोली उतार दी है, आप सोचिए इस औरत को, ये जीते जी मर गई, जीते जी ये जीते जी मर गई, और अखबार में या चैनल्स के ऊपर एक टिकर चलता है कि जी मोमिनाबाद के अंदर जो है फायरिंग के तसादुम में या दो गुरुओं के तसादुम में एक लड़का जो है जाबक, बस खत्म। मैं मुझे बोलने दीजिए, मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान में, कराची में हमने पाकिस्तान को एक पुलिस स्टेट बना दिया है, एक ऐसा पुलिस स्टेट इसको बना दिया है कि जहां पर एक अंधा बहरा गूंगा कानून है जिसकी लाठी उसकी भैंस है। मुझे बहुत तकलीफ इस वक्त हो रही है इस प्रोग्राम को करते हुए, ये शो यहां नहीं होना चाहिए था, इस शो को इस वक्त मोमिनाबाद थाने में होना चाहिए था, इस शो को इस वक्त मोमिनाबाद थाने में बैठ के हमें IG सिंध को लाइन पे लेना चाहिए था। AD ख्वाजा साहब बहुत बहुत नफीस आदमी है, मुश्ताक मेहर साहब बहुत नफीस आदमी है, उनको लाइन पे लेना चाहिए था, हमें चीफ मिनिस्टर को यह कहना चाहिए था कि आपको अनिल कपूर बनने का बहुत शौक होता है ना, आइए ये जगह यहां पे आइए कि आपके लोग, आपकी राय, आपकी आवाम जो आपको वोट देकर मुंतखिब करके ऐवानों में बिठाती है, इस वक्त इनको आपकी जरूरत है। मुझे सिर्फ एक बात समझाइए, हम ये शो कर लेंगे। अब्दुल कादिर साहब, अल्लाह इनको जिंदगी दे, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मुआवनत करते हैं, मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक किस्म का आदमी हूं, मुझे, मैं हमेशा पूरी उम्मीद रहता हूं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, होना कुछ नहीं है जब तक इन डिपुओं के पीछे खड़े हुए इन पुलिस वालों का एहतसाब नहीं होगा, जब तक इनको चौराहे पर नहीं लटकाया जाएगा, जब तक इनको पाबंद सलासल नहीं किया जाएगा, जब तक जिस अंदाज से इन्होंने
रिवॉल्वर डिप्पू के हाथ में दे के उसके सीने में गोली ठुकवाई थी ना, इसी अंदाज से इनके बड़े बेटे के हाथ में रिवॉल्वर दे के जब तक उन पुलिस वालों के सीने में गोली नहीं ठोकी जाएगी उस वक्त तक ये इंसान के बच्चे नहीं बनेंगे। इस वक्त मसला ये औरत, ये आप दिलासा देंगी, मैं दिलासा दूंगा, हम सब दिलासा देंगे, ये सारे लोग यहाँ पे बैठे ये दुख में शरीक है। रेहान को कहां से लाएंगे आप, कहां से लाएंगे रेहान को आप? मानता उजड़ गई उस औरत की, बर्बाद हो गया उस औरत का घर, तबाह कर दिया उस औरत को, उस पुलिस ने जिस पुलिस ने अपने आप को खुदा समझा हुआ है जमीन के ऊपर। मैं बड़ी माजरत के साथ ये बात अर्ज करना चाहता हूं, आप अफसोस कीजिए लेकिन आप जाइए इनके दरमियान बैठ के बात कीजिए, इन लोगों को चौराहे पर लेके आइए, इनको पाबंद सलासल करवाएं। ये काली वर्दी वाले, इन्होंने काला कानून पाकिस्तान के अंदर और कराची में राइज कर दिया है। मैं आपको बताऊं, दुबई में कुछ अरसे पहले एक मगरिब की अजान नमाज के वक्त जो है वो लोग सफे बना के खड़े थे, अचानक एक शोर उठा कि जी वो किसी बच्चे को पीछे कत्ल कर दिया गया है। लोग नमाजें मौकूफ करके दौड़ के वहां पर गए, देखे एक दुकान में जो एक बच्चा जो है वो रस्सी से टंगा हुआ है, उसको लटका के मार दिया गया। लोग सत्ते में खड़े हो गए कि क्या हो गया। आप यकीन मानिए शेख मखतूम 15 मिनट के अंदर अपने शेर के साथ वहां पर पहुंचे और यूं सकते में यानी वो शेख जो है वो हुक्मरान है वहां का, खड़ा हुआ सकते में, उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे, कुछ नहीं कहा, एक जुमला अदा किया कि इस बच्चे को जो यहां पर लटका हुआ है इसको उतारने के बाद इस रस्सी को यही रहने देना और 36 घंटे में मुझे इसका कातिल यहां पर चाहिए, बस ये है कानून। मसला सिर्फ इतना है साहब कि प्राइम मिनिस्टर के काफिले में रोंदे जाने वाले हामिद का कोई पुरसाने हाल नहीं था, इसलिए कि वहां पर ताकत थी, इसी अंदाज से रेहान शाह का कोई पुरसाने हाल नहीं है क्योंकि यहां भी ताकत है। मामला सिर्फ इतना है कि जब तक इन ताकत वालों को इनकी ताकतें लेने के बाद इनको पाबंदी सलासल नहीं किया जाएगा ना, उस वक्त तक पाकिस्तान में एहतसाब नहीं होगा। आज अगर आप इसको कैंपेन की सूरत में लॉन्च करें, इसको कैंपेन की सूरत में लॉन्च करें, मदिया मुझे बताइए ये बाप, ये बच्चा, ये जो बड़ा भाई था, ये बड़ा भाई है ना, ये बात करते हुए डर रहा था, इसके अंदर एक सहम है, खौफ है डिप्पू का, ये डिप्पू, ये माधुरियां, ये कनकटे, ये हमने कराची को वो कुछ दे दिया है कि कराची को बर्बाद करके रख दिया हमने, ये पुलिस वाले शराब पीकर दंदनाते हैं, कोई इनसे पूछने वाला है, कोई इनसे पूछने वाला है, कोई इनसे बात करने वाला है? मैं तो ये कहता हूं कि इस शो को यहां रोकने के बाद आप चले मोमिनाबाद थाने में, थाने के अंदर बैठ कर इस शो को करें। मैं आपको बताऊं, हम कल से, हम परसों से कोशिश कर रहे हैं कि मैं रात को भी बिल्कुल, हम लोग स्टैंड बाय पे थे कि हम जाके उनसे बात करें, लेकिन हमें इजाजत ही नहीं मिली। ये हम दो दिन से, जावेद इकबाल साहब, दो दिन से, मैं कल भी, मुझे आधे रास्ते से वापस भेजिए क्योंकि मुझे इजाज़त नहीं मिली, वरना मैं कल शाम भी और हम कल परसों रात भी, लेकिन हमने जो इंटरव्यू थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया वो मैं दरमियान में दिखाऊंगी भी। ये डॉक्टर मुनीर साहब, ये मुझे सिस्टम की समझ में नहीं आती, जहाँ हुक्मरानों की गाड़ी से हमारे बच्चे महफूज ना हों, जहाँ पर हमारे मुहाफिजों की पिस्तौल से हमारे ही बच्चे महफूज ना हों, और ये वाकई बाकी की बाकी लोगों के लिए तो और चैनल्स के लिए तो एक खबर है, अखबारों के लिए खबर है जिसने सुना, लेकिन कोई घर पहुंचे तो पता चले कि वो जो बच्चा था वो कितना मुख्तलिफ बच्चा था अपने दोनों बहन भाइयों से। एक जुमला कहने से डॉक्टर साहब बात कंटिन्यू कर लें, अगर इसकी जगह, इस रेहान की जगह बिलावल होता ना, या हसन होता, या हुसैन होते, या मरियम होती, तो शायद हो सकता है ऐवानों के अंदर खलबली मचती। रेहान था, कई रेहान आते हैं और कई रेहान चले जाते हैं जिनको इंसान नहीं समझा जाता, पाकिस्तान में कीड़े और मकौड़े समझा जाते हैं। हाय हाय, ये बिलावल होता, हसन होता, हुसैन होता, कैसे होता? बस वही बात, उनके साथ तो प्रोटोकॉल की गाड़ियां होती है, उनके साथ तो रेंजर्स की गाड़ियां होती है, पुलिस की गाड़ियां होती है, जो इर्द-गिर्द के लोगों को। मदिया, ये पहला केस हम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये समा पहले नहीं किया, कोरंगी में जो लड़का पुलिस वालों ने मारा, क्या उस केस का बना? बिल्कुल, तेजाब के अंदर जो गुलशन इकबाल में वो मुबीना थाने के अंदर जो है ना, वहाँ जो तेजाब इनका, क्या उस केस का बना? बेड़ा गर्क कर दिए हमारे जुडिशियल सिस्टम में, हाई कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है एडी ख्वाजा को, फिर आप बताए सिंध हुकूमत क्या करेगी, वो फाकी हुकूमत क्या करेगी? इसके इख्तियार में नहीं है, पुलिस पे लगाम है, अरबों खरबों रुपए के करप्शन के तमाम आपके चैनल समेत एडी ख्वाजा के खिलाफ चला है, हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया ना जनाब, कोई कुछ ना कहे, ये लाडला है। इस लाडले से मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आपकी ये करप पुलिस के अंदर आपकी केसेस के हिस्ट्री उठा ले, मुझे एक भी सजा याफ्ता दिखा दे, नहीं है कोई सजा याफ्ता, बातें तो हम बड़ी कर रहे हैं फलाएं फलाएं, लेकिन कोई ये पूछने वाला है कि इन करप काली उर्दू वालों से, सबकी बात मैं नहीं करूं, अच्छे लोग मौजूद है, मगर मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर ये सामान ही उठाते तो ये एफ आई आर भी नहीं करती, ये यहां पे लोग भी नहीं बैठे होते,
اور آج یہ کرپٹ افسران میں سب کی نام لے رہا ہوں، چاہے وہ ڈی آئی جی ہو، چاہے سی سی پی ہو، چاہے ایڈی خواجہ ہو، یہ سما کو دیکھ رہیں گے۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، کب تک آپ کاڑی بیلیوں کو بیڑیوں کو آپ بچائیں گے، کب تک آپ کرپشن کو چھپائیں گے، کب تک آپ دہشت گردی کو چھپائیں گے؟ قاتل ایک چورا مار تو آپ سے گرفتار ہو نہیں جا رہا ہے، جو قاتل ہے کسی طریقے سے آپ کی مدد کی ضرورت، ہمارے تھرو ہم تاکہ نوٹس لیا جائے، ہم قاتل تک پہنچے۔ ایک چھوٹے سے وقت کے بعد واپس آ رہے ہیں آپ ڈاکٹر مجھے ان کے عشقوں کے لیے جنت سے آ جاتی ہے ماں ہے ماں تب کہیں جا کر۔ بریک کے بعد ایک بات پھر سے خوش آمدید۔ میرے ساتھ ریحان کی خالائیں ہیں، ریحان کی نانی بھی ہیں، ریحان کی چھوٹی بہن جزا بھی یہاں پر ہے۔ ہم نے ایف آئی آر جو ہے وہ بھی یہاں پہ میرے پاس اس وقت آ گئی ہے، میں آپ کو ایف آئی آر بھی دکھاؤں گی، ایف آئی آر میں کیا کچھ لکھا گیا ہے اور کون سی دفعات جو ہیں اس میں ڈالی گئی ہیں یہ آپ کو ہم بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کیونکہ میں بات کر رہی تھی ڈاکٹر مویز سے، اور جب ایف آئی آر کی جو میں بات کروں گی 10 منٹ کے بعد، تو اس کے بعد ہماری کوشش ہوگی کہ ہم بہت سارے لوگوں کو ذرا بڑے دروازے بھی کھٹکھٹائیں اور وہاں کے لوگوں کو باہر بھی نکال کے ان سے بھی تھوڑی بہت بات کریں۔ اس میں یہ بات کہتی ہے یہ سسٹم کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو ہماری تعزیت قبول کیجیے گا جی، جس کا اپنا جاتا ہے نا دوسرا اس غم کو محسوس نہیں کر سکتا، تو یہ تو آپ کو ساری زندگی جینا ہے اس کے سارے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صبر بھی دے۔ ایشو یہ ہے کہ جب معاشرے میں ایک کردار ہے، وہ کردار ایک ظلم کرتا ہے اور اس کردار کو سزا نہیں ملتی، تو جو ظالم ہے اس کو طاقت بڑھتی ہوتی ہے۔ کتنے واقعات ہیں، ہم ٹی وی دیکھ دیکھ کے اب تو تھک گئے کہ روز کے نئے نئے واقعات، کوئی گاڑی کے نیچے آ گیا، کسی کو گولی مار دی، کسی کو اغوا کر دیا، کسی کا کیا کر دیا۔ انصاف جب نہیں ہوگا، ظالم کو سزا نہیں ملے گی، معاشرے کے اندر یہ چیز بڑھتی جائے گی۔ میں جب یہاں آیا، میں نے ان دوستوں سے جو ان کے محلے دار ہیں ان سے گفتگو کی، میں بڑا حیران ہوا کہ ان کے والد وہ کچھ نہیں بتا سکتے جو ان کے محلے دار بتاتے، اور اس طرح کا محلہ کہ سارے ایک ہو گئے۔ اب یہ کب تک لڑیں گے؟ مندو کھیل صاحب موجود ہے، کئی پروگرام ہم نے سماپت کیے، بڑی کوشش کی، بڑی کاوش کی، کچھ دنوں کے بعد ظاہر ہے ہم بھی بھول جاتے ہیں، نہیں، ہر روز ایک نیا بریکنگ نیوز آتی ہے، آپ کب تک پیچھے پڑیں گے؟ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس ملک میں عدل و انصاف ختم ہو گیا۔ مولا کائنات کا قول ہے کہ کفر کا معاشرہ چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں۔ آج اس ظلم کے معاشرے میں یہ مطلب یہ لوگ یہ کتنے حد تک جائیں گے، کس حد تک پیچھے پڑیں گے؟ کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہونا صرف اتنا ہے کہ جب تک ہم عوام کے طور پر، جیسے آپ سب ساتھ ہیں، اس طرح ہر ظلم کی کہانی کے پیچھے علاقے کے لوگ، رشتہ دار، دوست اگر ساتھ ہو اور یہ پریشر بلٹ اپ ہوتا رہے، اور یہ میڈیا ہے، وکیل جیسے ہیں ہمارے، یہ سب مل کے کریں، تو شاید ہم تھوڑا سا فرق لا سکتے ہیں، مکمل نہیں لا سکتے، ذرا سا فرق لائیں گے بس یہی کافی ہے۔ آنکھیں کھولنے کے لیے یہی کافی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ظلم ہو رہا ہے یا آپ کے محلے میں ظلم ہو رہا ہے اور آپ نہیں بولتے تو آپ ظالم کے ساتھ ہیں۔ یہ بھی دین نے بڑا کلیئر کہہ دیا ہے کہ گھر جلانا اور جلے ہوئے گھر کو دیکھنا اور آگ نہ بجھانا گھر جلانے کے برابر ہے۔ آج ہم سب اس ظلم میں شامل ہیں، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی۔ ہم نے نہیں روکا تو آج ان کا بیچا چلا گیا، اب یہ نہیں روکیں گے کسی اور کی اولاد چلی جائے گی۔ تو ہم سب کو آواز اٹھانی ہوگی اور اس سے لڑنا ہوگا۔ پولیس کی جہاں تک بات ہے، وہی بات ہے نا، لگام نہیں ڈالی۔ دیکھیں ایک بچہ ہے، شرارت کرتا ہے، نقصان کرتا ہے، ماں باپ اگر نہیں روکتے، نہیں ڈانٹتے، وہ بچے کی ہمت بڑھتی ہے۔ آپ کی پولیس کی ہمت کیوں بڑھ گئی؟ کیونکہ کوئی قانون نہیں، قانون ہے نام کا ہے، انصاف نہیں مل رہا عدالتوں سے، عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا۔ کچھ وکلا بہت اچھے کوشش کرتے ہیں، بہت اچھے نہیں بھی ہے، مگر مسئلہ یہ کہ جب ایک ظلم ہوتا ہے، اس ظلم کی انتہا تک پہنچنے کے بعد اگر انصاف نہ ملے تو پھر معاشرے کے اندر ہر آدمی ظالم بن جائے گا۔ اچھا ڈاکٹر مجھ سے فرح، ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں جو پیٹی بند ہوتے ہیں وہ اپنے پیٹی بند بھائیوں کا بڑا ایک طرح سے ان کو سپورٹ کرتے ہیں، جیسے یہاں پہ انہوں نے ان کو اتنا سپورٹ کیا، وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور پھر فرح ایسی ہم نے جتنی بھی اسٹوریز دیکھی ہے جہاں پر کہیں نہ کہیں پولیس والا کوئی ملوث ہوتا ہے، اس کو اس کے پیٹی بند بھائی بچا لیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ بالکل ایسا ہوتا ہے، تھانوں کے اندر انہوں نے، پولیس افسران نے ایسے گنڈے پالے ہوئے ہیں جو پورے علاقے کو ٹیررائز کرتے ہیں، وہاں کے لوگ
इसलिए बनाया गया थाना कि लोग वहाँ जाएं, दरवाजे खटखटाएं, साफ मांगे, लोग वहाँ जाते हुए घबराते हैं। और अगर कोई वहाँ चला गया और बात FIR तक आ गई, उसके बाद अदालत तक पहुँच गई, तो आखिर में क्या होता है? ये बेचारा बाप अदालत में जाएगा, खड़ा होगा, ये माँ वहाँ जाएगी, दुहाइयाँ दे, प्रेशर बिल्ड करेंगे इनके ऊपर और एंड में कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। और ये हमारी कोशिश है, डेली बेसिस के ऊपर यही कोशिश है कि ऐसा ना हो। मैं छोटी सी ब्रेक के बाद, न्यूज ब्रेक है, न्यूज ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, आपको FIR भी दिखाएंगे और कादिर साहब से मजीद बात करेंगे। ब्रेक के बाद जन्नत से आ जाती है होश में, इतना प्यारा पढ़ता था, सारा कुछ सब कुछ सही देता था। नन्ही फिजा रो रही है, उसे अपना भाई चाहिए। वो दीवानावार भाई की याद में किताबें खंगाल रही है। फिजा ने बताया उसका भाई परचून की दुकान पर काम करके अपने ट्यूशन की फीस भरता, उसे भी पैसे देता था। अरंगी टाउन कराची में मोमिनाबाद की ये कायदे अवाम कॉलोनी है। यहाँ मजदूर का बेटा 12 बरस का रेहान गोली लगने से जान बहक हो गया। झगड़ा किसी और का था। घर की दहलीज पर नन्हा बच्चा तड़प तड़प कर जान से चला गया। माँ कहती है कि लड़की के चक्कर में लड़ाई हो रही थी। ये वो माजिद नामी मुलजिम है जिस पर शुबा है कि वो लड़की के चक्कर में मोहल्ले में खड़ा था कि झगड़ा हो गया। माजिद पुलिस हेडक्वार्टर में तैनात अहलकार भी है। भी अगर मेरा वेपन प्रूफ हो, मेडिकल रिपोर्ट, सब चीजें जब वहाँ से निकलेंगी तो पता चलेगा। जब वेपन ही नहीं है तो कहाँ से लगेगी। SP औरंगी टाउन ने मौके पर ही मुलजिम माजिद समेत तीन पुलिस अहलकारों को मुअत्तल करते हुए लॉकअप कर दिया। DIG वेस्ट ने मोमिनाबाद पुलिस स्टेशन के थानेदार को भी मुअत्तल करके तहकीकात शुरू कर दी। घर से जब परदेश जाता है, सीना बिल्कुल ऐसा लगता है कि इसे शिर जाएगा। और क्यों ना ये माँ बैन करे क्योंकि इसका बेटा बगैर किसी जुर्म के, बगैर किसी खता के अपने माँ बाप को छोड़ के चला गया और इतनी जुल्म से इसको मारा गया। माँ बाप की आंखों का तारा तो रेहान था, लेकिन जो उसके मोहल्लेदार थे, इस 12 साल की बच्चे की उन सबसे बहुत अच्छी दोस्ती थी, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो जवान हो, या उसी के उम्र के बच्चे हों। यहाँ पर हमारे साथ वो दुकान वाले भी हैं जिनकी दुकान पर रेहान 3-4 घंटे काम किया करता था, और उसके बाद जो पैसे कमाया करता था वो घर लाके उसको जमा किया करता था, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे बुजुर्ग हमारे पास बैठे हैं, क्योंकि रेहान जो था बाहर अपनी गली का, कहते ना एक बच्चा बहुत शहजादा होता है जिससे हर एक की दोस्ती होती है, जिसकी रेहान के वाले साहब फैदा हुसैन की भी अपने मोहल्लेदारों से वो दोस्ती नहीं थी जो कि रेहान से थी। अस्सलाम वालेकुम जी। सर बाबा जी माइक करीब कर लीजिए। वालेकुम सलाम। ये रेहान का नाम तो कोई नहीं जानता इस मोहल्ले में, इसका नाम तो कोई नहीं जानता था। जो हकीकत नाम है इसका, इस पर हम खुद नहीं जानते। 12 साल से हमारा इधर रह रहा है, 12 साल से हमारे गली में, हमारे घर के पीछे। उसको वाले साहब भी हम नहीं जानता था। इससे 2 महीने पहले हमने इसको वाले साहब को आपको पहचाना, 12 साल में 2 महीने पहले पहचाना, वो भी हमने उससे पूछा। हम उन लोग उसको क्या बोलते थे, जवानी हम जने जो बोलता था, ये जवानी बोलता, हम जने जो बोलता था। फिर हमने उसको बोले यार तुम्हारा वाले साहब कौन सा है, तो उसने बोले चाचा जी हमको सब इधर चाचा बोलते हैं। बोले हम तुमको वाले साहब दिखाए के, तो 2 महीने पहले ये वाले साहब हमको दिखाया था, समझा। और वो बच्चे को जो है ना इस गली नहीं बल्कि ये पूरा मोमिनाबाद इलाके में पूरा इलाके में छोटे से लेके बड़े तक पहचानता था। और जनेजो के नाम से जनेजो का नाम पे उसको पुकारता था। दूसरी बात ये वाले साहब उसका कोई नहीं पहचानता है इस मामले में। ये कितने लड़के खड़ा है, जो भी बड़ा है, बुजुर्ग है या मस्जिद में गए, कोई नहीं पहचानता, सिर्फ उसको पहचानता था। दूसरी बात उसमें यह खूबी था, हम जब इस दुकान पे जाता था, ये हमारा बच्चे, तो मेरे को बोलता है चाचा तुमको चाय पिलाओ, पानी पिलाओ, बोतल पिलाओ। मैं बोलता था यार हमको चाय पिलाओ,
उस दिन की जिस दिन बाद जिस दिन उसका मौत हो रहा था आधा घंटा पहले हम रोड के ऊपर रिश्ते के अंदर बैठा था, इसका वालिद साहब भी हमारा साथ था, हम किसी का मेहमान था उधर से आया, ये रिश्ते में आया मेरे को बोलता था कि चाचा बोतल लो चाय पिलाओ, हम दूध पकाते मस्तों के लिए हम दूध पकाते हैं दही के लिए, तो मैं आपके लिए चाय बनाऊँ, मैंने बोला बच्चे दो चाय बना दो, एक मीठा एक पीका, दो चाय बना के लाया था ऐसा बेहतरीन चाय, और उससे आधा घंटा पहले इसका मौत होने वाला है, मगर हम लोग को पता नहीं होता था, हमको चाय पिलाया पानी पिलाया, फिर हमने उसको हम ऐसा उन लोगों के साथ मजाक बच्चों के साथ करते हैं, सब हमारे बच्चे हमको जानते हैं, तो मैंने उसको एक बात बताया, मैंने बोला खाना ख़राब है ये कब तो ले जाओ, ये कब रिश्ते में रह जाएगा तो ये कौन ले के जाएगा, तो इसने मेरे को बोल दिया चाचा ये दुकानदार जाना रहीम जाना उसका काम जाना, मैंने उसको बोला खाना ख़राब है चाय तुमने लाया और ये जाना, मजाक हमारे साथ बहुत करता था, हम ये नहीं बोलते ये किसी को बोलते मगर ये सब हमको पहचानते हैं, हम किसी के साथ मजाक करते हैं, और इससे बाद में हम आया घर पे लेट गया, बत्ती नहीं था जनरेटर चल रहा था, ये शोर शराब हो रहा था, जब शोर शराब होगा मैंने बोला यार बच्चों को यार ये शोर शराब है, तो इधर हमारे मोहल्ले में खटक लोग रहते हैं ये हर वक्त बीमारी करते हैं, हर वक्त बीमारी होता है तो हम लोग कभी निकलते हैं कभी नहीं निकलते, खैर अब निकल गया ये मामला इस कोने पर चल रहा था, और तुम लोग पुलिस का बात करते हैं पुलिस वाले तो चोरी इसलिए सेवल कपड़ों में आता है, रात के टाइम में घरों पे दरवाजे कटकटाते हैं, तुम लोग तो बोलते हैं पुलिस वाला ये चोर है, ये पुलिस वाला नहीं है, पुलिस का मोबाइल हमारा साथ यार दोस्त है इसका या दूसरा, हम बोले यार मोबाइल ताने से निकाल लो चलो प्राइवेट कपड़ों में सेवल, पुलिस वाला नहीं होता है, पुलिस वाला नहीं होता है, पुलिस हमें नजर आती है पूरा पाकिस्तान, जब नजर आएगा वर्दी पहने, अगर पुलिस हमें नजर आ जाए या जहां कोई ठेले वाला कोई दुकान वाला खड़ा हो पुलिस उसके पास आए या गुजरे तो आपको ये महसूस खौफ करते हो या ये करते नहीं जी पुलिस वाले आगे आपको गड़बड़ नहीं होगा ये बताया ना तो अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला का मैं आपको शुक्र बताऊं तो इस मोहल्ले में 40 साल हमारा हो गया 40 साल, ये आदमी जो बैठा है ना ये गुलमुड़ा ये हमारा पार्टनर था किसी जमाने में, अगर तो हम लोग तबलीग में लग गया ये तो ऐसा रह गया, ये हमारा पार्टनर है 40 साल से, इस मोहल्ले में अल्लाह ताला का शुक्र है हमारा मोहल्ला इस मोहल्ले में और इस गलियों में जो है ना ये लोग रह रहे किराएदार है 12 साल हो गया, पूछो इन लोगों से, मेरे पास अभी ये एफआईआर भी है और ये एफआईआर जो है ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि इस एफआईआर पे कौन कौन से मंदरजात है कौन कौन सी दफात है, मैं और ये जो एफआईआर है ये आपके साथ हम दूसरी विंडो में एक विंडो में आप मुझे देख रहे हैं और अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे ये एफआईआर देख रहे हैं, एफआईआर में जो दफ़ा लगाई गई है वो दफ़ा 302 लगाई गई है, यानी कि सिर्फ एक कत्ल की है दफ़ा, इसमें एक और जिसका दफ़ा का लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ये मैं कादिर साहब से बात करूँगी और हमारी कोशिश है कि हमारी पुलिस हुकाम से बात हो सके और एसएसपी सेंट्रल से भी, कल इरफान बलोच साहब से जिन्होंने बात की थी मैं वो भी आपको दिखाऊंगी, जिस दुकान में वो काम करता था आप जरा खड़े हो जाइए, वो कैसा बच्चा था कितने अच्छे से काम कर रहा था आपके पास? तो तकरीबन साल से मेरे साथ काम करता था, लेकिन बच्चा जो था बहुत ही ज़हीन और बहुत ही अच्छा, और कुछ नहीं बता सकते उसकी अच्छाई के लिए क्योंकि मेरे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा मोहल्ला बता रहे हैं क्योंकि आज हमारी दुकान इसके बिना वीरान, कितना और तकरीबन तीन से घंटे हमारे साथ काम करता था, मतलब सुबह मदरसे जाता था फिर दोबारा आके स्कूल जाता था, स्कूल के बाद फिर आके ट्यूशन भी जाता था, उसके बावजूद थोड़ा सा टाइम भी देता था लेकिन बहुत यानी वो थोड़ा सा टाइम में वो बहुत बड़ा काम करके दे देता था, और हालांकि काम के बिना के इसके बाद भी मतलब ये पूरे मोहल्ले के साथ इतनी मोहब्बत इतने कम टाइम में कि हालांकि उसको कोई भी मतलब इसके माँ बाप को यानी बहुत कम, यानी मैं तो इसलिए जानता हूँ कि मेरे साथ वो काम करता था तब जाके मैं जानता हूँ, वरना पूरे मोहल्ले में कोई इसके ना माँ बाप को जानते थे कोई नहीं जानते, सिर्फ सबके सब बच्चे के सर पे जानते थे, आज जिस पूरा मोहल्ला खड़ा हुआ है ना हमारे मोहल्ले में सारे जो बच्चे ये बच्चे के नाम से जिस पे पूरा मोहल्ला जानता था, आप इसी बच्चे के नाम पे पूरा पाकिस्तान फिदा हुसैन साहब को जानता है कि ये वो बच्चा है जो कि नाहक कत्ल किया गया, छोटी बहन फिजा इनकी जो है, मैं अभी आपकी फिजा से बात करवाऊंगी, ये फिजा भी यहाँ पे मुझे नजर नहीं आ रही, लेकिन ये एफआईआर जो है ये कादिर साहब ये एफआईआर में जो 302 की दफ़ा लगाई गई है क्या ये काफ़ी है?
क्या ये सिर्फ कत्ल का ही मुकदमा था जो बाहर इतना कुछ हुआ? ये नहीं लगाते तो क्या चोरी का लगाते? वो तो है हमारे इंसदादी दहशतगर्दी का नवाज शरीफ साहब के पहले दौर में पूछना कि क्या ये काफी है। जो कानून आया उस कानून में सेक्शन 61B उसमें ये कहा जाता है उर्दू में कि कोई भी ऐसा जुर्म, कोई भी ऐसा इकदाम जो माशरे में खौफ अरास पैदा करे वो इंसदादी दहशतगर्दी के कानून के तहत आता है। क्या एक मासूम 14 साल का बच्चा, 12 साल और एक 12 साल बच्चा और वो पुलिस शराब के नशे में और वो बच्चे ने जो कहा गड वर्ड का मतलब है अंधाधुन फायरिंग, यानी एक गंजान आबादी में पुलिस वाला दहशत गर्द तो उसे पकड़े नहीं जा रहा है, वो छुरा वाला तो पकड़ा नहीं जा रहा है उसे गुलिस्तान जोर से, तो ये अंधाधुन फायरिंग आप गंजान आबादी में करके और ये आप इस तरह कत्ल करें और फिर पुलिस वाले सेक्शन दहशतगर्दी का भी नहीं लगा रहे उसमें, इसका मतलब यह है कि ये पुलिस वाला कोई बचाएगा? कल का एविडेंस में भी बेड़ा गर्क करेगा, गवाहों को भी प्रेशराइज करेगा, लवाइकिन को प्रेशराइज करेगा। तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि आईडी ख्वाजा साहब आपको अदालत ने स्टे ऑर्डर दिए है, आप कह रहे मैं किसी का हुक्म नहीं मानता, वजीर आला का कोई भी एसपी वगैरह सब हटा दिए, आपने अपनी मर्जी का लगा लिया है, तो आप मुझे बताओ आपकी मर्जी का यह FIR है? आपका पुलिस वाला, आपका पेटी भाई, उसके 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने क्यों नहीं हुआ है? और ये जो गवाह सारे हैं इनमें से कोई गवाह आपका गवाही लिए इसने, इनका गवाही लिए आपने आपके? तो मैं एक चीज करूं, इस इंसिडेंट का, इस केस का हशर वही होगा। मैं आपको एक चीज बोलूं कि जब हिटलर ने कब्जे करने की कोशिश की लंदन पे, उसने कहा कल सुबह मैं लंदन में करूंगा, तो उस वक्त के जो वजीर आजम थे चर्चिल बर्तानिया के, उसने जब साफी उनके पास आ गए कि आप ये बताओ कि आप बॉर्डर आपके सेफ, उसने बोला पहले आप मुझे बताओ कि हमारे मुल्क में इंसाफ मिल रहा है, तो उन्होंने कहा जनाब अब वो हिटलर कल कब्जा करने आ रहे हैं, आप जब 3 मरतबा सवाल किए तो साफी ने उनको बताया कि हाँ जी हमारे यहाँ आवाम को इंसाफ मिल रही, तो चर्चिल ने कहा कि जिस कौम को इंसाफ मिल रहा है उसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता है। अब आप इसके गहराई में चले जाए या सारे लोग अदालत से नाराज भी है, जो हम अपने शो में भी आज सवाल ये उठा रहे हैं कि इंसाफ कैसे मुमकिन होगा, क्या हमारा शो कर देना काफी होगा इसके लिए या आप लोगों की सपोर्ट, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट जितने भी लोग देख रहे हैं, जितनी भी औलाद वाली माएँ हमें देख रही हैं, खुदारा ये देखिएगा कि आज गोली जो फिदा हुसैन के बेटे का सीना चीर गई, कल यही गोली आपके लखते जिगर का कहीं मुकदन, अल्लाह ना करे मैं मुँह में खाक ऐसा ना हो। छोटी बहन फिजा जो है रेहान की, फिजा आ जाओ, फिजा आपकी भाई से दोस्त, फिजा आपको उर्दू आती है फिजा भाई तो बहुत याद आता होगा, भाई से तो बहुत खेलती हाँ। होगी भाई के साथ स्कूल जाती थी, मदरसे जाती थी, भाई दोपहर को जाकर मैं सुबह जाती थी, मैं अंदर से यहाँ पे पढ़ते वो शान मस्जिद में पढ़ता था। अच्छा लेकिन दीवारें छोटी हैं दिल बड़े और दिल करीब है। ये सब लोग जो यहाँ पर बैठे हैं ना, ये सब बता रहे हैं कि जी ये रेहान हमारा बेटा था, हमारा भाई था। मसला क्या है, ये भी 2 दिन बाद 3 दिन बाद 4 दिन बाद अपने कामों में लग जाएंगे। वो जो बिचारी है ना, वो जो बिचारा है, वो जो छोटी है, वो जो बड़ा है, उनको आहटे महसूस होंगी रेहान की। जब दरवाजा खटखटाएगा ना कोई, तो माँ की ममता उस आहट को महसूस करेगी कि शायद मेरा लाडला, मेरा शहजादा, मेरा लाल बाहर इस वक्त आया है। जिस वक्त कोई कहेगा ना मैं मदरसे जा रहा हूं, तो इस माँ के दिल में एक बात पैदा होगी कि मेरा लाडला भी तो मदरसे जाता था। जिस वक्त कोई स्कूल जा रहा होगा ना बस्ता लेकर बच्चा, तो ये माँ बहुत ही यानी तरसी हुई निगाहों से उस बच्चे को देख रही होगी कि मेरा रेहान भी तो स्कूल जाता था, उसके पास भी तो बस्ता लटका होता था। इस माँ के दुख का मदावा नहीं है। देखिए फिर मैं वहीं आ रहा हूं, मुझे बहुत अफसोस के साथ ये बात कहने पड़ रही है, लेकिन मुझे कहने दीजिए कि सिंध असेंबली में बैठकर हम एक दूसरे को गाली गलौज तो करते हैं, हमारा मुद्दा ये है कि शर्जील मेमन पाक है या नापाक है, हमारा मुद्दा ये है कि जी नैब जो उसके इख्तियार कम हो या ज्यादा हो, इस राया को, इस अवाम को कौन पूछेगा? मैं गुजारिश करूंगा मुराद अली शाह साहब, आप शाह साहब है, सैयद जादे,
یہ سید زادوں کا گھرانہ ہے، سادات کا گھرانہ ہے، آپ کی قبیل سے ہیں، آپ کے قبیلے سے ہیں، ان سادات کی آ کے داد رسی کیجئے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ محمد زبیر صاحب، آپ گورنر سندھ ہیں، آئیے ان سے ان کے دکھ کا مداوع کیجئے، اور مت جانے دیجئے کورٹ تک معاملات کو۔ کورٹ میں ہوگا کیا صاحب؟ صحیح کہہ رہے ہیں عبد القادر بھائی، پیشیاں ہوں گی، گواہان ہوں گے، پولیس پریشرائز کرے گی، اینڈ میں کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ ان کو دھمکا کر یہ کہہ دیا جائے گا کہ تمہاری دیکھو بیٹی جوان ہو رہی ہے، خیال کرنا، تمہارا بیٹا جوان ہو رہا ہے، خیال کرنا، ایک کو کھو دیا ہے دوسرے کو کھو دو گے، اس ماں کا کلیجہ پھٹ جائے گا، یہ بولے گی ٹھیک ہے میں نے ریحان کو تو کھو دیا، اب اپنی بیٹی کو نہیں کھونا چاہتی، ختم، قصہ ختم۔ آئیں مراد علی شاہ صاحب اٹھے اور اس پولیس والوں کو یا اس پورے قبیل کو جو ہے عبرت کا نشان کھڑے ہو کر بنائے، ان کو وہیں پہ جس جگہ پہ انہوں نے ریحان کو گولی ماری ہے نا سنسناتی بھی، اسی طرح سے سنسناتی بھی گولی ان کے سینے میں پیوست کی جائے اور یہ بتایا جائے، ایک دیکھے ایک نشان، ایک واقعہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو عبرت نشان بن جائے۔ پھر میں پوچھتا ہوں کسی پولیس والے سے کہ اس میں کتنی ہمت ہوتی ہے کھڑے ہو کر وہ کسی ریحان کو جو ہے وہ زندہ درگور کرتا ہے۔ یہ قیامت، یہ ہوتا ہوا نظر آئے، ہاں خون کا بدلہ خون ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان نظر آئے، تو ایسے معاشرے کے اندر پھر جرم جو ہے نا وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ یہاں پرابلم ہی ہم باہر بات کر رہے تھے، میں نے کہا دیکھیں دیواریں کتنی قریب قریب ہیں، مگر یہ لوگ آپس میں کیسے کنیکٹڈ ہیں، چلنے کی جگہ نہیں ہے مگر پھر بھی آپس میں اتنے کنیکٹڈ ہیں۔ اب میں ایک گزارش کرتا ہوں آپ لوگوں سے، سنیل بھائی نے بالکل صحیح بات کی، ہر کوئی اپنی زندگی میں لگ جائے گا، ہم سب کے دکھ ہیں نا، ٹی وی بھی کل میڈیا نئی نیوز آ جائے گی، ہم بھی چلے جائیں گے، ماں باپ کو ساری زندگی سہنا ہے۔ آپ لوگوں کا اگر ساتھ رہے ان کے ساتھ اسی طرح جس طرح آج آپ بیٹھے ہیں، اگر اپنا بیٹا سمجھ کر تو پھر اس کیس کو آگے تک لانا، ورنہ اس کو ڈرا دھمکا کے کمپرومائز کرا دیں گے۔ بالکل صحیح، ڈرا دھمکا کے، بالکل یہ بہت ہی شریف آدمی تو بات بھی نہیں کر سکتے۔ مہیش بھائی یہی بات ان کے والد سے آپ پوچھیں کہ کوشش یہاں سارے، آپ جنید بھائی، فراز، سب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مدد کریں، کیا یہ کل آپ کسی دباؤ میں یا کمپرومائز تو نہیں کرو گے؟ نہیں، اس وجہ سے دیکھیں، وجہ بتا میں یہ بات کیوں کرتا ہوں بار بار، اس وجہ سے آج آپ کا بچہ چلا گیا یہ سوچ کے کہ کل کسی اور کا بچہ نہ جائے، کل کسی اور غریب کے ساتھ ظلم نہ ہو، اس بات پہ قانون تو ہمارے یہاں قصاص دیا دے موجود ہے، مگر اس کا مقصد ارگز نہیں ہے کہ ریمنڈ ڈیوس کی طرح جو نا کپال آپ نے اس لکھا ہے، اس کا مطلب دیکھو شاہ رخ جتو یہ آپ کے سامنے صورتحال ہے، تو سوال یہ ہے کہ آپ یہ ذہن میں رکھ لیں، انشاءاللہ یہ سما، یہ پورا ٹیم، میں آپ کا ساتھ دوں گا، ہم ساتھ ہیں، میں کسی فرعون سے ڈرنے والا نہیں ہوں، فی سبیل اللہ آپ کا کام میں کروں گا، آپ کا ساتھ سپریم کورٹ تک ساتھ دوں گا، لیکن آپ سے بھی گزارش کروں کسی سٹیج پہ مجھے یہ سننے کو نہ ملے کہ جی دباؤ آ گیا محلے کا، گنڈے بدماش کا، میں غریب آدمی، یہ نہ ہو۔ ایک کام کر لیں، میں ایک پروپوزل دے رہا ہوں، مجھے نہیں پتا عبد القادر صاحب اگر انڈورس کریں، ڈاکٹر صاحب، فرا صاحب، ایک جملے میں پروپوزل یہ ہے، آج یہ شو ہو جائے، ٹھیک ہے جی، اس کے فالو اپ کے طور پہ کل مبینہ ٹاؤن تھانے کے باہر چلے، وہاں سے شو کریں، نہیں کرتے ہیڈ کوارٹرس کے باہر چلے، وہاں سے شو کریں، میں آپ کے ساتھ بھائی کرایا، سمانے کیس کرنا ہے، ہم نے اس کا فالو اپ کریں، ہم نے گور چمن کو پانسی کا آرڈر کرایا، سمانے کیس اٹھایا تھا لانڈی تھانے کا، آج وہ پانسی گھاٹ پہ انتظار کرے اپنی موت کا، یہ سمانے اٹھایا، بہت سارے کیسز، بالکل صحیح، فالو اپ بھی کریں، آگے بھی کیا کیسز کے اوپر، انشاءاللہ اس کیس کو فالو اپ کریں گے، کیس کو فالو اپ کریں گے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم جی، یہ ہمارا بچہ ہے، آپ سید زادے ہیں، آپ سادات ہیں صاحب، میں آپ کی بڑی تکریم کرتا ہوں، تو آپ کے پیروں کی جوتیوں کے برابر نہیں ہیں، آلے رسول ہیں آپ، اور وہ تو بےچارا عاشق رسول تھا، وہ عاشق لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، میں نے پڑھا ہے اس کے بارے میں، وہ عاشق رسول تھا، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت مطلب حمد اور ثنا کے اوپر جو ہے وہ جھوما کرتا تھا، بدیا وہ عاشق رسول بچہ تھا۔ ایک کالر ساتھ ہے، السلام علیکم جی، ہلو، السلام علیکم جی، وعلیکم السلام، ہیلو، ہیلو جی، پلیز آواز بڑھا دیجیے جی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں ریاض خان بول رہا ہوں کراچی سے، جی ریاض صاحب، یہ جو مومن آباد والا واقعہ ہے یہ بہت بڑا واقعہ ہے، جو آپ نے آج پروگرام جو ماں بیٹھی ہوئی ہے یہ پھر کب تک ہوتا رہے گا؟ ابھی
ये दादी हैं उनकी और ये अभी गांव से आए, अभी अभी गांव से आए दादा। अभी इनके दादा और इनकी दादी पेशावर से अभी पहुंचे हैं यहाँ पर गांव से, पेशावर से भी पहुंचे। मुझे एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के दौरान हम आपको एसएसपी सेंट्रल का एक बयान भी सुनाएंगे। अब एक ब्रेक के बाद नहीं की इसकी, और सबसे पहले तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, और इसमें हमें खुद बड़ा दुख है कि एक मासूम बच्चे की जान गई है इसमें। और इसमें फिर डीआई साहब की तरफ से मुझे इन्वेस्टिगेशन मिली और इंक्वायरी भी हमें मिली है। तो जो मैंडेट है इंक्वायरी की, वजह है कि आया क्यों, जिस तरह आपने सवाल पूछा है क्यों वाकया हुआ है, तो उसके ऊपर हम इंक्वायरी भी कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं। तो उसके ऊपर हमने फाइनल तो नहीं किया, लेकिन जो अभी इनिशियली हमने जो चीज़ें सामने आई हैं वो यही है कि एक प्राइवेट आदमी था जो पुलिस के साथ चलता था। अनफॉर्चुनेटली आप उसको इन्फॉर्मर कह दें या आप उसको कोई और नाम दे दें, तो उसके साथ वहाँ पे कोई इशू हुआ है जिसके ऊपर उसने पुलिस को बुलाया है, वहाँ पे फिर पुलिस ने फायर मारा है, फायरिंग की है, तो जिसमें वो बच्चे की जान गई है। अभी तक ये इनिशियली जो हम गैदर कर सके इन्फॉर्मेशन, लेकिन अभी हम इसको फाइनल कर रहे हैं। असल में जो बात, वो जो प्राइवेट आदमी है डब्बू उसको कहते हैं, डब्बू उसका नाम है, तो वो उसकी ये इन्फॉर्मेशन थी जो उसने पुलिस वालों को बताया इनिशियली। ISHO को फ़ोन किया, थाने पे फ़ोन किया, उसने ये बताया कि जी मेरा मंशियात फरोशों के साथ झगड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई क्ल्यू नहीं मिला कि जी वो मंशियात फरोशों के साथ कोई मुकाबला हुआ है या इस तरह। अभी तक हम इस नतीजे पर नहीं पहुँच सके। उसके कुछ और इंटेंशंस थे जिसको हम वेरीफाई कर रहे हैं, जिसने फिर आगे जाके पुलिस उसने बुलाई और पुलिस ने वहाँ पे फायर किया है, जिसकी वजह से बच्चे की डेथ हुई है। असल में वो जो बंदा जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो वहीं का रहायशी है, उसका घर भी वहीं पे ही है। तो हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो एक फीमेल के साथ उसका कोई चक्कर था, वहाँ पर वो जाता था। तो एक वर्जन ये है कि उसको वहाँ से जाने से रोका गया और उसने फिर ये सारा कुछ प्लान किया, वहाँ पर इसकी लड़ाई हुई कुछ लोगों के साथ जो मोहल्ले वाले थे, फिर इसने ये सारा प्लान किया, फिर उसने पुलिस को बुलाया, और जब तक पुलिस आती तो काफ़ी लोग वहाँ पर जमा हो गए थे ऑफकोर्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुलिस ने उसको उस तरह की हैंडल नहीं किया जिस तरह उसको करना चाहिए हैंडल, तो फिर ये इंसिडेंट हुआ है। जो पुलिस का वर्जन ये है कि जब पहुँचे तो दोनों तरफ से फायर हुआ, लेकिन अभी तक हमें दूसरी तरफ से फायर का कोई क्ल्यू नहीं मिला कि दूसरी तरफ से कोई फायर भी आया हो, किसी घर से कोई फायर आया हो। वहाँ पर जिस तरह मैंने बताया कि वो जो प्राइवेट आदमी है उसके साथ मोहल्ले वाले को लड़ाई हुई है, उसने फिर एक सस्पेंडेड पुलिस वाला है ताहिर उसका नाम है, उसको फ़ोन किया पहले, फिर उसने फिर आगे दूसरी पुलिस को बुलाया, फिर ISHO को बुलाया, और फिर जब ISHO वहाँ पर पहुँचाया तो बकौल ISHO के काफ़ी वहाँ रश था, लेकिन मुझे लगता है कि ISHO ने उसको ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया सारी सिचुएशन को। और अब हम ये देख रहे हैं कि फायर किसने किया है। हमने फॉरेंसिक्स के लिए वो जो एम्प्टीज वहाँ से मिली थी वो भी हमने भिजवाई हैं, और होपफुली कल तक उसका रिज़ल्ट आ जाएगा, और जो पुलिस के पास पिस्टल्स थे वो भी हमने भिजवाएँ, तो कल तक उसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा, तो उसके बाद ही हम किसी फाइनल कंक्लूजन तक पहुँचे। थक के सो जाती है माँ, इलाका है जहाँ पर उसके दादा और दादी रहते हैं, और ये आज आपके सामने शो में जिस वक्त हम शो कर रहे थे ये उस वक्त पहुँचे हैं, क्योंकि पेशावर के आगे मानसेरा से भी आगे बटल के इलाके से ये बस सर्विस से आए हैं और कराची आए हैं, तो इनको पहुँचते पहुँचते इतना वक्त लगा कि यहाँ पर हैं। मैं अभी आपसे जब बात करी थी और आपने मुझे बताया कि आप लोग माशाल्लाह से पाँच भाई हैं और पाँच भाइयों में से चार जो हैं वो गाँव में और आप अकेले, मुझे ये बताएं कितना मुश्किल था कि जब इतनी बड़ी कयामत तो नहीं टूटी होगी, किसी को सोच भी नहीं सकता कि ये कयामत, कयामत से पहले जब कयामत अब होती, जब अपने बच्चे का खुद जो है वो जनाजा उठाते हैं और आप अकेले थे और भाई कोई भी नहीं था, उस वक्त भाइयों को कितना, आपने कितना याद किया? बहुत याद किया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे भाइयों की और मेरे रिश्तेदारों की, मेरे मोहल्ले वालों ने कोई किसी किस्म की कमी नहीं छोड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे बाजू बने और इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट की, मुझे किसी किस्म की कमी नहीं छोड़ी इन लोगों ने, मेरी इन लोगों ने बहुत मदद की, अल्लाह पाक इनकी मदद करे।
वो अल्लाह मैं आपको बताऊं जो रेहान था वो बोल दुकान से जो भी कमा के लेकर आता था तो वो लाके अपनी अम्मी को देता था कि ये अम्मी ये आप जमा कर लें। और जब शो से पहले मैं इनके पास गई थी एक कैटल में पैसे जिसमें 10 का नोट 20 का नोट 50 का नोट भरे हुए थे नोट जो कि रेहान जो था वो जमा करता था। क्या लेना चाहता था वो किस किन चीज़ों के लिए पैसे जमा करता था? मोटरसाइकिल का क्या मैंने कहा नहीं बेटा अभी तो छोटा है तेरी टांगें छोटी हैं नहीं अम्मी वो आज 10,000 का मोटरसाइकिल दे रहे तो क्या नाम है 5 तू दे दे 5 में जमा करूँ। मैंने कहा नहीं अभी तो छोटे हैं तू कहीं गिर गया तुझे लग जाएगी तेरे तो एक्सीडेंट हो जाएगा मैं नहीं देती अभी नहीं लेके देती जब तू होगा मैं तुझे नहीं ला दूँगी पुराना नहीं लेके दूँगी थोड़ा सफर कर बेटा फिर बोला अम्मी मैं ये चीज़ लूँगा ये लूँगा घर में तो पर्दे लगा ले। मैंने कहा मैंने 1 रुपया भी नहीं लगाऊंगी तो अपनी खुशी से जो चीज़ ले ले लेकिन मोटरसाइकिल नहीं लेना। मैं उसकी मौत से डर रही थी कि मेरे बच्चे को कुछ ना हो क्या मेरे बच्चे को लालवान ऐसे किया 5 मिनट में गायब कर दिया मैं क्या करूँ मेरे बच्चे गुम हो गया मेरा बच्चा 5 मिनट में दुकान से आया दूध भी मुझे ला के दिए पैसे भी दिए मैंने उसका हाथ उसे पकड़ा मैंने कहा रेहान बाहर नहीं जाना बाहर मैंने कहा बहुत शोर है तुझे लग जाएगी कुछ हो जाएगा बोले अभी मैं 5 मिनट में आता मेरा हाथ जोर से खींच के उधर चला गया मैंने अपने बेटे को बोला जहाज को पकड़ के ले गया उससे भी थोड़ा आगे चला गया उसे बोला रेहान वापस आ बोले भाई मैं आ रहा हूँ ना सब्र करना जब आया तो वो तेरी मैंने देखा भी नहीं उसको उसके दिल में लगी थी उसने बोला अभी अभी मेरे दिल में लगी अम्मी मेरी बस नसीब माँ हो मेरा बच्चा मेरी दीवार के साथ पड़ा रहा मेरी दीवार के साथ पड़ा रहा मैंने उसको देखा भी नहीं मैंने दूसरे दिन उसको देखा 1 घंटे में उसको देख गए मेरा बच्चा और मेरा बच्चा देख गए और मेरा रेहान शहर था मेरा रेहान पूरी गलियों का शहर था अल्लाह मैं बोलती थी मेरा बड़ा बेटा सादा है रेहान होशियार है मैं इसका मुँह बोलती थी रेहान ही तेरा पीछे खड़ा होगा रेहान होशियार है ये तो सीधे बेचारा ये कुछ भी नहीं कर सकता रेहान ही तेरी सब कुछ करेगा लेकिन जानो ने उस पर नजर रख दी। हमने कोशिश की कोई पुलिस ऑफिसर लाइन पे नहीं आ रहा कैसे आएंगे नहीं आएगा हमने कैसे आएंगे? कोशिश तो करें लेकिन अभी जो एसएसपी सेंट्रल थे उन्होंने भी जो यही बात की जो हम बात हम कर रहे हैं ये कौन थे किसने गोली मारी किसने जब बुलाया कॉल करके तो पुलिस वाले ही हुआ है तो वो जो एसएसपी सेंट्रल साहब इरफान बलोच जब भी हमने उनका शॉट भी चलाया था मैं चाहूंगी अली अगर हम उसको दोबारा अगर हम उसको चला सके ताकि वो दोबारा चलाने की उसकी जरूरत ही सुनी जो बातें उसने कही है इस केस का रुख जहाँ तक मैंने सुना या मुझे बताया लोगों ने इसका रुख ये मोड़ना चाह रहा है कि ये मनशात फरोशन के बीच में फायरिंग थी और उसकी जख्मी ये बचा गया जी जी। तो आज इस केस का फैसला उन्होंने कर दिया कि इसका बेड़ा गर्क करना है इसमें। बात ये कि जो आपका पुलिस वाला करप्ट दहशतगर्द जो मासूम बच्चों को इसने गोली मारा है उसका हिसाब आप इस तरह करोगे? मेरी आईजी सिंह अगर वाकई आप ईमानदार हो मैं नहीं बोलूंगा आपके खिलाफ अगर ईमानदार हो इस केस की तफ्तीश आप किसी और जिले को दे दें और वहां से तफ्तीश कराए रेंजर्स को एक मिसाल तो जुनेद भाई ने भाई एक केस का मिसाल तो बनाया होना ही एक एग्जाम्पल तो बनाया दुनिया में कि हमने इंसाफ देने आपने सारे केसेस का बेड़ा गर्क कर दिया जो थोड़ी बहुत कमी रहेगी वो अदालत ने पूरा कर दिया और आपने क्या इंसाफ दिया लोगों को इस केस के लिए तुम्हारी पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से हमारा करने का मकसद ये है रेहान की बड़ी खाला ये कोयटा से आई है रेहान की एक खाला जो है ये लाहौर से आई है एक मुवानी भी कोयटा से आई है इनके अपने जितने भी लोग थे वो दूसरे शहरों में थे और आप खुद सोचिए कि जब आपके अपने उस शहर में ना हो जहाँ पर आप पर एक क़यामत गुजर गई हो तो कितना मुश्किल होता है। बड़ी खाला रेहान की हमारे साथ हैं आपको आपको कैसे पता चला था? रात को 2:30 बजे भाई का फ़ोन लाहौर से आया मेरे बेटे दलावर के मोबाइल पे तो आए अंदर तो मुझे कहा कि अम्मी मामू से बात कर जैसे मैंने फ़ोन उठाया भाई ने सलाम किया तो मुझे बोला आप उठ गई मैंने बोला जी भाई तो भाई ने बोला मैं रास्ते से वापस आ गया मैं टूर पर जा रहा था
تو میں نے بولا آپ کو اطلاع دے دوں, تو میرا ایک دم دل دھڑکنے لگا, پتہ نہیں اللہ خیر کرے کیا ہو گیا. میں نے مڑ کے بھائی سے پوچھا, بھائی خیر ہے؟ تو بھائی نے کہا کہ زکیہ کا بیٹا جو ہے نا شہید ہو گیا, اس کو گولی لگ گئی. تو میں آپ کو اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ جانا چاہیں تو. میں رونے لگی, میرے شوہر نے پوچھا کیا ہو. میں نے بولا بھائی کو فون آیا تھا, تو پھر میرے بچے اٹھے, سب اٹھ کے آئے. مجھے اس لگی امی نہیں رو, سب پریشان ہو گئی, یان کی طرف فون کرنے لگ گئے. تو جب سنا تو بھابھی نے بتایا کہ آپ لوگ کتنی دیر میں پہنچے؟ ہم لوگ وہاں سے پھر کوچ سے آ رہی تھی, پھر انہوں نے کہا کہ 2 بجے جنازہ اٹھائیں گے. تو ہم نے بولا, پھر میرے شوہر کو چھٹی نہیں تھی, انہوں نے چھٹی دی. ہم لوگ ٹرین سے آئے, کل ہم لوگ 11 بجے یہاں پہنچے. جی آپ جنازے کے وقت کیسا بچہ تھا؟ کیونکہ خالے بچے خالوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. آپ مہینہ پہلے میں یہاں آئی تھی. اچھا, تو یہ بہت ذہین تھا. آخری آپ کی بات کیا آپ کو یاد ہے ریحان کے ساتھ؟ جب بیٹی کی منگنی تھی تو بہو کے ساتھ بیٹھے تصویر ہی نکالی ہے, ایسے جیسے تم بولو گی کہ ایک بہت بڑا جیسے آدمیوں کی طرح ایک اچھی طریقے سے بیٹھے. جب ماں ڈانٹتی تھی تو بولتی تھی سب بچے شیطانی کرتے ہیں, اب میرا نام کیوں لگاتی ہو؟ تو چھوڑو امی, اب میرا نام کیوں لگاتی ہو؟ بس پڑھتا تھا, سب کو دکھ دیا. ہماری بہن اس موقع پہ کہنا چاہتا ہوں, خالہ موجود ہیں, اگر مجھے اجازت دیں, انصاف ملے. کہ دیکھیں, یہ میں آپ سے بار بار ایک بات عرض کر رہا ہوں, ہم چلے جائیں گے, یہ دیواریں, یہ فضائیں پکار پکار کے ریحان کی یاد دلائیں گے ان سب. یہ جو ماجد پولیس والا ہے یا عبد الرزاق ہے, میں ان سے اس وقت مخاطب ہوں براہ راست. تمہارے گھر میں بھی اس جیسی ماں ہوگی, یہ جو ماں ہے نا جو اس وقت بل بلا رہی ہے اور رو رہی ہے اور دھاڑے مار مار کے رو رہی ہے, اس جیسی ماں تمہارے گھر میں بھی ہوگی, خیال رکھنا. اس جیسی ننی سی پھول سی بچی تمہارے گھر میں بھی ہوگی, اس بات کا خیال رکھنا. تمہارا بھی کوئی بیٹا جو ہے وہ ریحان جیسا ہوگا اور ریحان کے بڑے بھائی جیسا ہوگا, اس بات کا بھی خیال رکھنا. تمہارا بھی باپ جو ہے وہ فدا حسین جیسا ہوگا, اور تمہارا بھی دادا جو ہے ایسا شاید بارش جو ہے وہ ہو, شاید ہو تمہارے گھر میں. ایک بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا, مجھے اس قانون عدالتوں پہ بھروسہ نہیں ہے, ہم جیسے کسی کو بھی نہیں ہے, کیونکہ ہم بہت لاشیں کراچی میں اٹھا چکے ہیں. بروز محشر, بروز محشر, ارے بروز محشر تو چلو بہت دور کی بات ہے, جب مرو گے نا اور قبر میں اتارے جاؤ گے, بس اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ پتہ نہیں تمہاری موت جو ہے وہ کیسی ہو. اللہ تعالیٰ اچھی موت نصیب کرے, بہت بڑی بات ہے, لیکن مجھے لگتا نہیں ہے. جس طرح سے جانوروں کی طرح تم انسانوں کے کیڑے مکوڑے سمجھ کے مارتے ہو نا, تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. کہیں سنسناتی بھی گولی آئے گی اور کتوں اور بلیوں کی طرح تم جو ہے وہ سڑک کے اوپر مار دیے جاؤ گے, اور جب قبر میں اترو گے اور حشر میں پیش کیے جاؤ گے تو اس وقت جو شدید عذاب ہوگا اسے بچ جاؤ. ایسی چیزیں اللہ 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 سب مائیں دیکھیں گی, سب ماؤں کی گزر گئی ہیں. اگر روز ایسی بچوں کو مارنا, یہ کپڑے یہ جب لے کے آئے تھے نا, اس کو ان سے دور کر لیں, اس کو ان سے دور کر لیں, اس کو دور کر لیں, چھوڑنا اس کو, پلیز دور لے. خوف سے خدا نہیں ہے ان پولیس والوں کے دل میں, خوف سے خدا نہیں ہے. یاد رکھنا, انسان نہیں رہتا, وہ جانور ہو جاتا, نظر آتا ہے انسان کی, یہ باتوں کی نہیں کرے گی. میں ایک چیز جاننے سے پہلے آپ لوگوں کو دکھاتی بھی جاؤں, یہ وہ پیسے ہیں جو کہ ریحان روز جمع کرتا تھا, اور وہ ایک بائک لینا چاہتا تھا. دکھانے کا مقصد یہ کہ وہ بہت ساری مائیں جن کے بیٹے ان کے لیے کسی ریحان سے کم نہیں ہیں, جن کے بیٹے اپنے کسی شوق کو پورا کرنے کے لیے ماں باپ پہ کسی قسم کا بوجھ نہیں بننا چاہتے, جو کہ اپنی اسکول کی فیس, اپنی ٹیوشن کی فیس بھی خود برداشت کرنا جانتے ہیں 12 سال کی عمر میں, جہاں آپ کو اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی, اس عمر میں یہ بچہ اس قدر
سمجھ آ رہے جتنی اولاد والی مائیں دیکھ رہی ہیں اور وہ لوگ جو کہ پولیس کے بہکے میں اور حکام بالا جو کہ صاحب اولاد ہیں. بس اس وقت سے ڈریے جب آپ کا بچہ بھی ریحان نہ ہو جائے اور آپ کے بچے کو بھی ایسی ناحق کوئی گولی نہ آ کے لگے اور آپ بھی اسی طرح بے بس نہ بیٹھے ہوں انصاف کے لیے کہ اللہ کی لاٹھی تو بے آواز ہے. یہ جو دو چیزیں میں نے آپ کو دکھائی ہیں انہی سے تھوڑا خوف کھائی ہے کہ وہ جو چھوٹا بچہ بھی اپنے حق حلال کی کمائی میں سے جو چیزیں اکٹھی کرتا تھا نا وہ بھی یہاں پہ رہ گئی لیکن وہ بچہ چلا گیا. آپ لوگوں نے جو عمارتیں جو پیسہ جو بینک بیلنس بنایا ہے وہ بھی ایسے رہ جائے گا یہاں پہ اور آپ آگے چلے جائیں گے. خدا را اپنی آخرت کے سامان کے لیے اس ماں کو انصاف دلائیے کیونکہ اگر آج اس ماں کو انصاف نہیں ملا تو وہ بہت ساری مائیں جو کہ دیکھ رہی ہیں جن کے گھر میں ریحان ہے ان کو بھی ایسے تمام تر محکمے جن کا انصاف انصاف سے کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت تعلق ہے ان کا اعتماد ان اداروں سے اٹھ جائے گا اور یہ خوف اب دل میں بیٹھ چکا ہے. جیسے اگر یہ خواتین تو ویسے بھی خوف کھاتی ہیں فرح اور آپ تو اتنے کام بھی کرتی ہیں آپ جاتی بھی ہیں اپنے شوز میں بھی تو آپ نے تو سسٹم کو بڑے اندر قریب سے بھی دیکھا ہوا ہے. مدیہ سسٹم پہ تو ہم کیا ہی بات کریں, اس وقت دل کٹ رہا ہے اس ماں کو دیکھ کے جو پتہ نہیں اپنا وقت کیسے گزارتی, کیونکہ ہم نے نہ اس بچے کو دیکھا نہ کبھی ملے اور ہم اس درد کو محسوس کریں. میں صرف حکمرانوں کی بات کروں گی, وہ حکمران تھے جو کہتے تھے دریائے فرات کے کنارے اگر کوئی جانور بھی پیاسا مر جائے تو اس کا ذمہ میرے اوپر ہے. یہاں روز بچے مر رہے ہیں, مائیں اپنے بچوں کو خون زدہ لاشیں اپنی ہاتھوں سے اٹھا رہی ہیں, باپ جس کے بچے سے کتنے خواب وابستہ تھے, وہ بچہ اپنے لیے خود پیسے کماتا تھا جس سے وہ اسکول جاتا تھا جس سے وہ پیسے پائی پائی جمع کر کے بائک لینا چاہتا تھا, یہ سب ذمہ داری حکمرانوں کی ہے, نہ کہ یہ کہ اس طرح سے ان کی لاشیں اٹھائی جائیں. دنیا آپ کہہ رہی ہیں اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے, دنیا مکافات عمل ہے, بے شک آج ان کے گھر میں ماتم ہے, سب کے گھر میں ایسا ہوگا. ڈرے اس وقت سے ڈرے اللہ سے, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کچھ بھی کہنے کے لیے, میں سوائے دکھ کے تکلیف کے کچھ اس وقت آپ لوگوں سے شیئر نہیں کر سکتی کہ یہ حکمران خوف کھائے کہ یہ اتنی بڑی جو ذمہ داری ان کو دی ہے یہ اپنے بینک بیلنس بھرنے کی بجائے اداریوں کو پورا کرے, ورنہ بہت جلد اللہ ان کو دکھائے گا. اپنی کرپشن کو بچانے کی بجائے, اپنے ڈاکوؤں چوروں کو بچانے کی بجائے, اپنے نیب زدہ لوگوں کو بچانے کی بجائے, اپنے تمام تر جو بھونڈے کاروبار ہیں جس کی آڑ کے اندر یہ اپنی حکومتیں چلاتے ہیں اس کو بچانے کی بجائے, اپنی کرسی کو بچانے کی بجائے اپنے ایمان کی فکر کریں اور اپنی آخرت کی فکر کریں. ورنہ جو یہاں ہونا ہے ان کے ساتھ وہ تو ہوگا ہی ہوگا, لیکن جو وہاں ہوگا نا وہ پھر اس کا کوئی حساب ہی نہیں. ایسا ہمارے اعظم بھی خالی ہاتھ چھوڑ کے گیا کوئی کچھ ساتھ لے کے. میں ہمارے پلیٹ فارم کے توسط سے جو حکام بالا سے جو گزارش ہے میں چاہوں گی ایک بار پھر, کیونکہ ہم ٹیلی ویژن پہ تو آپ کو دیکھ رہے ہیں فدا صاحب, آپ کی آواز ہر ماں سن رہی ہے, ہر باپ سن رہا ہے, تمام ادارے سن رہے ہیں, تمام لوگ سن رہے ہیں, کیا آپ درخواست کرنا چاہیں گے کہ شو کا وقت ختم ہو گیا ہے؟ میں یہ درخواست کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں ایک غریب بندہ ہوں, یہاں کرائے کے مکان میں رہ رہا ہوں اور ٹیکسٹائل میں جاب کرنے والا بندہ ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کا انصاف ہو اور بچوں کی سیکورٹی چاہیے, بچوں کی سیکورٹی چاہیے مجھے, بچوں کی سیکورٹی چاہیے مجھے, کل کو میرے ساتھ اور واقعے بھی ہو سکتا ہے. بالکل, اور مجھے بچوں کی سیکورٹی لازمی چاہیے. یہ دہشت گردی کی دفاع لگائے ہیں اس کے بغیر بیکار ہے. میں درخواست کروں گا چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے کہ اس کیس کا سو موٹو ایکشن لے اور اس کیس کو انسدادی دہشت گردی کی عدالت میں اور ایون کے فوجی عدالت میں جہاں کہ وہ بھی تو بنی ہوئی نا وہاں بھیجا جائے. ایک مسئلہ ہو جائے آپ یقین کریں گے مدیہ یہ سارا معاشرہ صحیح. جہاں شازیب قتل کیس اور شارف جتوئی کا جیسے کیس پیک اپ کیا گیا تھا اس کیس کو بھی ویسے اٹھائیں. کیا ہوا کہ اگر یہ لوگ امیر نہیں ان طرح لیکن ان کی بھی اولاد ویسی ہی پیاری تھی جیسے کسی اور کو پیاری ہوتی ہے. اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیے گا, دعا کیجیے ایسی کسی ماں کی گود نہ اجڑے اور دعا کریں کہ ان کو جلد از جلد انصاف ملے اور جو مجرم ہے وہ کیفر کردار تک پہنچے. شاد رہیے, آباد رہیے, کل کے شو میں آپ سے ملاقات ہوگی. روتے ہیں جو شبیر کو